खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बोदाबाग कॉलोनी में महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारी बनकर लगभग आधा दर्जन की संख्या में ऑटो से सवार होकर आधा दर्जन महिंद्रा कंपनी के पहुंचे लोग पीड़ित विक्रम सिंह की कार में तोड़फोड़ करते हुए ले जा रहे थे डस्टर कार। पीड़ित द्वारा बताया गया कि अपने निजी कार्य से स्कूल गया हुआ था, तभी घर में फोन आता है कि कुछ लोग ऑटो पर सवार होकर आए हुए हैं और कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कार को टोचन करके ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब पीड़ित विक्रम सिंह अपने घर पहुंचते हैं तो ऑटो सवार सभी लोग मौके से फरार हो जाते हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में लिखित रूप से करवाई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने मीडिया से क्या कहा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। विक्रम प्रताप सिंह, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हम स्कूल में बैठे हुए थे तो हमको घर से फोन गया कि कुछ लोग आए हैं 5-7 लोग और गाड़ी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उसको टेम्पो से उसको टोचन करके ले जा रहे हैं। तो हाँ, हम आगे जब आए तब तक गाड़ी को पीछे वो कर ही चुके थे। हमने पूछा उनसे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जैसे हम लोग जो है 4-6-10 लोग इकट्ठा हुए तो वो यहाँ से भाग निकले और गाड़ी की तोड़ फोड़ किए थे। उनका ये कहना है कि किसी महिंद्रा कंपनी के वो हैं लोग। जानते हैं कौन कौन आया था क्या? एक इसमें नितिन सिंह हैं और सिंगर जी और उन्हीं के लोग थे। कंपनी का नाम बता के आपकी गाड़ी ले जा रहे थे? हाँ, कंपनी का नाम बता के ले जा रहे थे। कोई किस्त वगैरह है आपके? किस्त हमारा जो है लॉकडाउन के समय जो है तो कुछ किस्तें टूटी हुई थी और उसके अलावा बाकी जो है किस्त बराबर हर महीने जो है तो जाता है ना। और बस अब किस्त भी इसका अंतिम ही बचा हुआ है। तो अभी सूचना पुलिस को दिए? सूचना अभी जब ये ले जा रहे थे तो पुलिस को हमने जो है फ़ोन लगवाया था। हमने कहा कि अगर आपके पास है तो कोई नोटिस आपने दिया हो हमको या कुछ दिया हो, तो बस वो बोले कि हम घर में आए थे, इंटीमेशन दिए। क्या दिए? एक हमको ये फोटो कापी कहीं ये दिखा रहे थे अभी, वो भी कहाँ क्या है। और बाकी जो है इसका, और ये हमको मिला नहीं है कभी, अभी जब यहाँ आए हैं तब मिला है। तो हमने कहा पुलिस वालों को आने दीजिए, तो हम उन्हीं से बात करते हैं।